आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिवाली स्पेशल पनीर कलाकंद बर्फी की रेसिपी। बहुत ही कम समय में इसे बना करके तैयार कर पाएंगे और टेस्ट में ये बहुत ही अमेजिंग होगी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट ये बनके तैयार होगी। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस पनीर कलाकंद बर्फी की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये आपके फैमिली फ्रेंड्स सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध को फाड़ करके ले लिया है। ये होममेड पनीर है। आप चाहे तो मार्केट का भी पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे तोड़ करके इसे हाथों से मसलते हुए इसका डो तैयार करूंगी। इसे हमें 2 से 3 मिनट इस तरीके से मसलते हुए इसका डो तैयार कर लेना है। आपको बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगेगा। और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं पनीर जो है ना इकट्ठी हो रही है, बिल्कुल ही ये स्मूथ हो चुकी है। ये देखिए, अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे हमने एक पैन रखी है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि दूध जब हम डालें ना तो ये तले में चिपके ना। अब हम इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे और दूध में अब हम उबाल आने देते हैं। और ये लीजिए, दूध में उबाल आ चुकी है। वापस से हम इसे एक बार चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1/2 कप चीनी ऐड करेंगे। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। चलाते हुए चीनी घुलने का वेट करेंगे। और ये लीजिए, चीनी जो है ना ऑलमोस्ट घुल चुकी है। अब यहाँ पे हमने 1/4 कप पानी ले ली है। इसमें हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और इसे पानी में अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लावर का घोल बनके तैयार है। अब इस घोल को ना हम दूध में ऐड कर देंगे। उसके बाद साथ में हम ऐड करेंगे 2 हरी इलायची कूट करके हमने इसमें ऐड की है। आप चाहे तो कुछ धागे केसर का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। चलाते हुए इसे हम 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से पका लेंगे। ये देखिए, अब हमने जो पनीर को मैश करके रखा हुआ था ना, इसमें हम अच्छी तरीके से तोड़ करके डालते जाएंगे। इस तरीके से बनाएंगे ना तो पनीर कलाकंद बर्फी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मॉइस्ट बनके तैयार होगी। और ये लीजिए, मैश किए हुए पनीर को हमने इसमें डाल दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसे चलाते हुए अच्छी तरीके से इसे मिक्स करते हुए इसे हम पकाते जाएंगे। गैस के फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो मिक्सचर है बिल्कुल ही पतली हो चुकी है, लेकिन आप इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे इसे आप पकाते जाए। जैसे जैसे ये पकेगी ना, वैसी वैसी ये मिक्सचर जो है ना इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट हमने इसे अच्छे तरीके से पका लिया है। मीडियम फ्लेम पे आपको इसे पकाना है। कंटिन्यूसली आपको इसे चलाते रहना है, बिल्कुल भी आपको इसे छोड़ना नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कलाकंद का जो मिक्सचर है ना तैयार हो चुका है। गैस के फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब इसमें घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद इसे हम इसमें अच्छे से मिक्स करते हुए इस मिक्सचर को ना बिल्कुल ही हम इसे ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल भी ये गर्म नहीं होनी चाहिए, अगर गर्म होगी ना तो बर्फी नहीं बनेगी। बिल्कुल इसे ठंडा करके आपको ले लेना। इसी तरीके से चलाते हुए आपको इसे ठंडा कर लेना है। और ये लीजिए, बर्फी का मिक्सचर बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे ना, इससे थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेकर के उसके बाद हम इसे ना स्क्वायर शेप में बना करके
तैयार करेंगे। आप चाहे तो कलाकंद के पेड़े भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे पनीर कलाकंद बर्फी बना रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पे इसे स्क्वायर शेप में बना करके तैयार करूंगी। एक आपको मैं और बना करके दिखा देती हूँ। उसी तरीके से मिक्सर लेते हुए उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में बना के तैयार कर रही हूँ। सारे बर्फी को हम इसी तरीके से बना करके तैयार करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप मेरे इस तरीके से जरूर से बना के ट्राई करें। अब इसके ऊपर ना बिल्कुल बारीक कटे हुए पिस्ता डाल देते हैं ताकि देखने में और भी ये टेम्पटिंग लगे। और ये लीजिए, पनीर कलाकंद बर्फी बन के बिल्कुल तैयार है। गारंटी है, मार्केट से अच्छी ये बन के तैयार हुई है। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। आप एक बार मेरे इस तरीके से इस मिठाई को बना करके तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको तोड़ करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही मॉइस्ट बन के तैयार हुई है। ये आपके फैमिली फ्रेंड, बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा आप इस रेसिपी को शेयर करें और कमेंट्स में आप जरूर से लिखें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। इससे हमें पता लगता है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है। तो बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।